तो आगे बात करेंगे वन बाय वन, और हम समझेंगे सबसे पहले कि हमें अगर अपना सेल्फ मैनेजमेंट करना है तो शुरुआत कहां से करनी है। तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपको करना पड़ेगा सबसे पहले यहां पर डेली लर्निंग, जैसा मैंने 20-20-20 ऑलरेडी आप लोगों को बताया। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के बाद रोज सुबह एक घंटा आप अपने आप को दोगे। क्या देंगे? यस। कुछ लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, तो घूर घूर कर देखो मत, आराम से इजीली बैठकर बातचीत करना है और समझना है कि जितना मैं आज आपको बताऊंगा उसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरा आपको करना क्या है, प्रिपेयर आपको करना है डेली। मतलब हर इंसान जब जॉब पर जाएगा तो पहला एक घंटा आपको अपने आप को देना है, भगवान को याद करना है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। फिर पूरे दिन में आप करोगे क्या, उसका टू डू लिस्ट बनाना है। क्योंकि जब आपने पूरे दिन की चर्या जब आपने तय कर ली होती है तो आप फोकस कर पाते हो अपने प्रायोरिटीज काम के ऊपर। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका ग्रूमिंग। बहुत सारे लोग मैं यहां पर देख रहा हूं कंपनी को चलाने के लिए एज अ मैनेजर उस पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनका ड्रेस कोड या उनके कपड़े देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है गोवा में जो कपड़े पहन के घूमने होता है वो पहनकर ऑफिस जाता है, ऑफिस में जो कपड़े पहनने होते हैं वो पहनकर शादियों में चले जाते हैं, और जहां ट्रेनिंग के अंदर जो कपड़े पहनने होते हैं वो पहनकर हम कहीं और जगह चले जाते हैं। तो ग्रूमिंग का मतलब आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेहतर ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा। और ये मेंटेन करने का मतलब ये है आपकी ऊपर से लेके नीचे की दुकान बेहतर होनी चाहिए, जिसको देखकर सामने वाले बंदे को नॉक करने की इच्छा हो और एक बार ऐसा लगे कि मैं एक बार एंटर करूं। तो ग्रूमिंग के अंदर क्या आ जाएगा, हेयर स्टाइल अगर आपकी है तो उसको मेंटेन करना, दाढ़ी वगैरह अगर आप रख रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना, आपके नाखून वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम मेंटेन करके चलना, आपके कपड़े जो है उसको अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करके चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत होती है, वो साले जब ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं ना, बाकी के सब लोग बाहर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैरों के अंदर पहरे होते हैं सॉक्स, उसको धोए हुए नहीं होते हैं, उसकी बास आ रही होती है, और उसकी बास के कारण मीटिंग जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। और ऐसा आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसान आया क्यों है यहाँ पर। जैसे कि दो परिस्थिति आपको मैं बताना चाहूंगा, एक अननोन पर्सन आपके घर के बाहर आया हुआ है और नॉकिंग कर रहा है, जिसका हाल फटे हाल है, और वो आपको नॉक करके पूछ रहा है कि मैं आई कम इन, या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट। तो क्या आप उस पर्सन के साथ बात करना पसंद करोगे पहली बार, यस या नो? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नो। लेकिन उसी के सामने एक पर्सन अगर सूट बूट पहनकर अच्छी तरीके से ड्रेसअप के अंदर आकर अगर आपके घर के बाहर अगर आकर नॉक करे और बोले कि मैम आपसे 2 मिनट या सर आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, तो क्या आप उसको 2 मिनट दोगे या नहीं दोगे? तो एक अननोन पर्सन जो आपका जानता पहचानता नहीं है, अगर उसका ड्रेस कोड देखकर अगर आप उसको टाइम दे सकते हो, तो जो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, जो ओनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे आपका ड्रेस कोड देखकर, आपका ग्रूमिंग देखकर, यस या नो? आपको अपने आप को क्वेश्चन कर। और अगर बेहतर अगर आपका शोरूम होगा तो अच्छा प्रोडक्ट आप बेच पाओगे। सिंपल चीज आपको बता। फिर आपको काम कहां करना पड़ेगा, पंचुअलिटी। कई बार कई लोगों का दिक्कत ये होता है, जो मैंने आज आपको कमिटमेंट कर दिया, कई लोग ऐसा बोलते हैं, फिर तो साले मैं मेरे बाप की नहीं सुनता हूं तो आपकी कहां से सुनूं। तो कई लोगों का माइंडसेट ये होता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे सुधार सके या मुझे बदल सके, तो वो किसी भी चीज के अंदर पंचुअल नहीं होते। और पंचुअल न होने के कारण होता ये है, उनकी बातों के ऊपर लोग भरोसा करना धीरे धीरे बंद कर देते। तो आपको पंचुअल होना पड़ेगा। जहां पर एक लाइन हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, जो एक बात का होता है ना वही एक बाप का होता है। तो अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी बात एक है तो आपका बाप भी एक है। इसका मतलब ये, आपने जो कमिटमेंट कर दिया उसका मतलब वो पूरा होना चाहिए पंचुअलिटी के साथ, टाइम के ऊपर। फिर अब आपको समझना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जितना टाइम आज अपनी कंपनी के अंदर आप दे रहे हैं, तो एक लाइफ आपकी होती है पर्सनल लाइफ और एक आपकी लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करके आपको चलना है। कई लोग घर पर होते हैं और बात करते हैं धंधे की, और धंधे पर होते हैं बात करते हैं घर पर, और जब घर की बात आप कर रहे हो अपने धंधे में तो वहां पर आपको डिस्टर्ब होगा, और जब आप घर पर जाकर अब आप बात करने वाले हो अपने धंधे की तो वहां पर भी डिस्टर्ब होगा। तो उसको आपको मेंटेन करके चलना है। 9 से 6 का टाइम या 6 से 9 का टाइम अगर आपने कंपनी को दिया है तो कंपनी के काम पर फोकस
फोकस करो, उसके बाद का टाइम अगर आपने परिवार को दिया है वहां फोकस करो, उसी हिसाब से उसको मेंशन करो। और बहुत ही अच्छा जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपको अपनाना एक अच्छा फिनिशर बनना। अगर 6 गेंद बची हुई है और सवाल यह है कि 30 रन अगर हमें करने हैं तो ये 30 रन करने के लिए हम किसको इनवाइट करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर? बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, लेकिन आज के टाइम में पूरे इंडिया के अंदर उसी का नाम लिया जाता है जो एक अच्छा फिनिशर है। अब बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं और बहुत सारे लोगों के साथ हमारी कंसल्टिंग होती है, हम देखते हैं कुछ लोग काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छे लेवल पर काम करना स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है दिन खत्म हो जाता है, उनका काम खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिनिश ही नहीं किया होता है अपने काम को, शुरू कर दिया हो। तो एक चीज आपको अपने दिमाग के अंदर गांठ बांधकर रख देनी है, जो काम आपने आज हाथ में लिया उसको 1 या 2 घंटे का टाइम लेकर उसको खत्म करो, फिनिशर बनो। क्योंकि अच्छा काम अगर आपने पूरा कर लिया आज के दिन के अंदर, तो आप छोटी छोटी जीत से एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ने वाले। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपको अपने अंदर क्या क्या चीजों को डेवलप करना है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? अब आप लोगों को समझना ये है कि ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करोगे तो आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ग्रो हो कर पाओगे।